व्हाट्सएप पे ब्लॉक, घर पे हमेशा बोलूंगा मैं हुई नहीं। होता है कुछ ऐसा? यस। किसके साथ हुआ है? मेरी बहुत दुखती रख हाथ रख दिया नहीं हुआ है। सो जरा गौर फरमाइएगा नेक्स्ट टाइम कि क्या इन सब चीजों में से कुछ हुआ है, क्या बहुत ज्यादा पुशिंग तो नहीं हुई है प्रोडक्ट, ठीक है, क्या हमने समाधान बेचने की कोशिश करी थी या प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी थी। याद रखना हमेशा समाधान तो बेचने आएगा, उससे व्यक्ति हमेशा मिलना पसंद करेगा। प्रोडक्ट जो बेचने आएगा उससे लोग हमेशा दूरी बनाना पसंद करेंगे, है कि नहीं। कितने लोग अपने घरों में रहते हैं? मैं कहा था बीच बीच में टेस्ट करूंगा। तो घरों में जब आप रहते हैं, कभी आपने सेल्समैन को आते हुए देखा है घर पे? है, जब सेल्समैन आता है दरवाजे की घंटी बजती है टिंग टोंग, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं जनरल रिस्पॉन्स? गेट खोलते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या काम है, ओके, और उसके बाद बड़े बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। जनरली मैं जितने घर परिवार देखे हैं जहां पे ऐसे सेल्समैन आते हैं, तो पहले तो दरवाजा बहुत लोग नहीं खोलते, जो खोल लेते हैं वो अपने बच्चों के थ्रू खुलवाते हैं और बोलते हैं बेटा बोल दे कि घर पे कोई नहीं है। मेरा बच्चा भी बड़ी ईमानदारी से बोल के आता है, अंकल अंकल मम्मी ने बोला घर पे कोई नहीं, आप बाद में आना। लेकिन होता है ना जी, लेकिन एक्चुअली हम दरवाजा खोलना या उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। क्यों भाई? प्रोडक्ट बेचते रहता है, क्योंकि पता है आया है तो कुछ ना कुछ बेचने आया है, और बेचने वाला व्यक्ति जो है उससे हम हमेशा दूरी बनाना पसंद करते हैं। yes. लेकिन अगर उसी समय उसी वक्त हमारा कोई बहुत ही गहरा मित्र हमारा अगर आया होता, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, उस समय क्या हम उसको मना करते इस तरीके से? no. नहीं करते ना? no. क्यों नहीं करते? रिलेशन, क्या बात बोली, किसने बोला ये वर्ड रिलेशन? और जबरदस्त रिलेशन, संबंध, ट्रस्ट। अब सुनो सबसे मजे की चीज, सबसे मजे की चीज, पता है ये चीज जब मैंने पहले एनालाइज करी, जब मैंने इस चीज को थोड़ा सा समझा, तो देखा कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चीजें दुकानदारों से और सेल्समैन से कम और अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा खरीदते हैं। कई लोग मानेंगे कई लोग नहीं मानेंगे, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक काम करिए, आज घर जाकर घर के अंदर जितनी भी चीजें आपने आज तक खरीदी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, ठीक है, अब एनालाइज करिए वो चीज आपने क्यों खरीदी और खरीदने से पहले राय किससे ली थी। जिसको हम जानते हैं हम उसी की राय लेते हैं। दोस्तों के पास हम क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो हमें राय गलत नहीं देगा। लाखों की गाड़ी, लाखों करोड़ों का घर लेने से पहले भी आखिरी राय किसकी होती है? हम सबसे ज्यादा खरीदारी उन्हीं से करते हैं और दरवाजा भी उनके लिए खुलता है। सेल्समैन जो बेचने आता है एक्चुअल में उससे हम दरवाजा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन खरीदारी होती है फ्रेंड्स से, और फ्रेंड्स को दूर करना चाहते हैं, मतलब सॉरी सेल्समैन को दूर करना चाहते हैं, जबकि उनसे तो हम खरीदते भी नहीं है। सो क्यों? क्योंकि दोस्त क्या देता है? वो देता है समाधान, वो देता है समाधान। सेल्समैन क्या देता है? प्रोडक्ट, राइट। अब सोच के देखिएगा अगली बार जब आप किसी भी व्यक्ति सो अगली बार अगर कोई व्यक्ति आपका फोन उठाना बंद कर दे या फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे, तो एक बार अपने आप से पूछिएगा कि आपने उसको समाधान बेचने की कोशिश करी थी या उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। फिर एक बहुत ही नामी व्यक्ति है, कभी नाम सुना होगा आपने, शिव खेड़ा। यस सर, है ना। उसने किताब लिखी यू कैन सेल। वो ये कहता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बेचता नहीं है? हर व्यक्ति बेचता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है।
एक इलेक्शन में खड़ा हुआ जो पॉलिटिशियन है वो अपने वादे बेचता है वोट खरीदने के लिए। खरीदने बेचने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामान दिया और पैसे लिए। खरीदने बेचने का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अभी इस हॉल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ट्रेनिंग आपको बेच रहा हूं। इसके एवज में आपसे क्या मैं लेने वाला हूं अभी, आपका अटेंशन लेने वाला हूं, आपका समय लेने वाला हूं, और क्या देने वाले हैं आप, और आप देने वाले हैं अपने सफलता की कहानी, है ना। तो ये चीजें क्या है, वो फीस है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ, हुआ ना, ट्रेनिंग दी, सक्सेस स्टोरी आपने दी मुझे, हो गया ट्रांजैक्शन। बेचना हर जगह होता है। जो व्यक्ति ये कह देता है कि सर मुझे ना बेचना नहीं आता, मैं उसकी पीठ थपथपा के हमेशा बोलता हूं वेरी गुड, बहुत अच्छा बिजनेस है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को बेचना नहीं आता है। इस बात को बताकर उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि उसे बेचना नहीं आता, मतलब वो बेच तो बहुत अच्छा लेता है। और वो कहता क्या है, मुझे बेचना नहीं आता। या तो आपने ये थॉट भी तो बेचा ना मुझे, अगर ये थॉट बेच सकते हो तो और भी कुछ बेच सकते हो। और सोचो बचपन से आज तक हम कितना कुछ बेच चुके हैं, बहुत कुछ बेचते हैं हम दिनचर्या में हमारी रोजाना की, अगर आप देखें आप बहुत कुछ बेचते हैं। थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं आईएमसी बिजनेस को, आईएमसी बिजनेस में आने से पहले का टाइम याद करके देखिए। आपने कोई शर्ट, कोई शर्ट या कोई लेडीज कोई सलवार सूट या कोई साड़ी आप पहन के आप अपने दोस्तों से मिले और आपके दोस्त ने पूछा अरे वाह शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है या आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप क्या कहते थे, तो आप क्या कहते थे, क्या आप ये बोलते थे कि यार बहुत ही रद्दड़ क्वालिटी की एक कंपनी है, उस कंपनी का ये थका हुआ सा प्रोडक्ट है वो लिया है बहुत ही बेकार है, कभी ऐसा बोला आपने? नहीं, आप क्या कहते थे, यार ये ना फैब्रिक बहुत जबरदस्त है यार, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये कंपनी इतनी लाजवाब है यार, इसके प्रोडक्ट की रेंज इतनी लाजवाब होती है, इसमें ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं यार, इसकी ब्रांडिंग, इसका शोरूम इतना मस्त है, ये सब हम बताते थे ना। और उसके बाद हो सकता है अगले दिन या अगले हफ्ते वो व्यक्ति अपने लिए जब कपड़े खरीदने जा रहा हो तो आपकी बताई हुई उसी दुकान उसी ब्रांड उसी कंपनी के पास जाके वो वही वाला कपड़ा खरीद के लेके आ जाए। असल में उसको वो सामान बेचा किसने था, आपने। उसको तो पता भी नहीं था उस दुकान के बारे में, आपने उसको उस दुकान तक भेजा, वहां से वही वाला सामान खरीदवाया, असल में तो बेचा आपने ना। यस। और आप क्या कहते रहे हमेशा, मुझे तो बेचना ही नहीं आता, मुझे तो बेचना नहीं आता। यार हम इतने सीधे साधे लोग हैं ना, हम बहुत कुछ बेच देते हैं, कुछ जब नहीं मिलता है बेचने के लिए तो हम बहुत बार मौसम भी बेच देते हैं। मौसम भी बिकता है, पता है आपको? यस, मौसम खराब है, मौसम भी बिकता है कि यार आज कितनी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है यार, ऐसी बारिश में तो यार फैमिली के साथ पिकनिक पे जाने का बड़ा मन करता है यार, किसी अच्छी जगह पे हल्की फुल्की बारिश में। लो वहीं पे दो दोस्त चर्चा कर रहे थे, तीसरे ने सुनी और कहा यार आइडिया सही दे रहा है सोमनाथ, चलो मैं निकलता हूं, सोमनाथ नहीं गया ये चले गए। मैंने क्या, किसने बेचा इनको मौसम, किसने बेचा, मैंने बेचा। और मैं क्या कहता हूं, मुझे बेचना नहीं आता है। सो हम इतने अच्छे डाउन टू अर्थ लोग हैं, हम सब करना आता है, सब करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें आता नहीं। सो दैट इज व्हाट एवरीवन इज सेलिंग। सो गोल्डन रूल ऑफ सेल्स हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें चाहिए होती है सीधे चलने के लिए, जैसे दो टांगे चाहिए ना, उसी तरीके से सेल के लिए भी दो ही चीज चाहिए होती है, गोल्डन रूल्स है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा है एंथुजियाज्म। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी किसी भी चीज के होने की संभावना में यकीन रखना, और एंथुजियाज्म जो कि आपको वो फायर वो एनर्जी वो पैशन देता है उस चीज को
पाने के लिए, उस चीज को करके दिखाने के लिए। ये दो चीजों में से अगर एक भी चीज कम है तो विश्वास मानिए सेल नहीं होगी। रियल ट्रुथ है, सेल नहीं होगी। राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा क्या? अरे इंथुजियाज्म शब्द का नाम तो इंथुजियाज्म के साथ ले लो, जोश भरा शब्द है इंथुजियाज्म, है ना, एकदम ऐसा मुगले आजम का नाम इंथुजियाज्म। सो अब ऐसे में हम आईएमसी के प्रोडक्ट क्यों बेचे? आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों बेचे ये बताने वाला मैं कौन होता हूं? मेरे से कई गुना ज्यादा समय आपने बिताया है इस कंपनी के साथ, इन कंपनी के प्रोडक्ट्स के फायदों को आपने जांचा है, परखा है, जाना है इतने लंबे समय से। सो आपको पता है क्यों हमें आईएमसी के प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए? और आज पूरा हिंदुस्तान जब भाग रहा है आयुर्वेदा के पीछे, तो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा चाहिए होगी लोगों को अभी? आईएमसी। सो दिस इज द टाइम, मैं कहूंगा हमेशा वो टाइम सही होता है जब आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट, सो दिस इज द टाइम जब हमें आईएमसी के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स को बेचने की, तो बेचने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। तरीका नंबर वन जिसको कहते हैं वन टू वन सेलिंग, वन टू वन सेलिंग विथ अपॉइंटमेंट। आपने पहले से अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट लेके रख ली, आज मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आने से पहले मैंने आपसे फोन करके पूछ लिया भैया इतने बजे मिलोगे आप, मैं इतने बजे फ्री हूं, आप आओ, साथ में बैठ के चाय पीते, और वहां से बातचीत शुरू हुई। दूसरा तरीका वन टू वन इनफॉर्मली, रास्ते में ट्रेन में मिले आप और मैं, बात होते होते बात शुरू हो गई और हमने बात आगे बढ़ाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया, दैट इज इनफॉर्मली। देन देयर इज द थर्ड ऑप्शन विच इज वन टू मेनी, यहां जहां एक व्यक्ति कई सारे लोगों को एक साथ संबोधित कर रहा होता है, जैसे कि अभी कर रहा हूं मैं, है ना। सो दैट इज वन टू मेनी, जहां आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर के अंदर, और वहां पे आप लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस प्लान के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इन तीनों तरीकों के अलावा कोई और तरीका है? Yes. एक सबसे लाजवाब तरीका है जो कि कहीं छूट ना जाए, दैट इज द मोस्ट स्पेक्टैक्युलर मेथड ऑफ सेल्स। जानना चाहेंगे उसके बारे में? Yes. इतने से यस में तो नहीं बता पाऊंगा। Yes. पक्का ना? वेरी नाइस। सो ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है मिस्टर सोचू, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें सोचते हैं ये जो आपके मन में भी आती होंगी। कुछ ऐसे सवाल हैं इनके मन में कि मैं अपना बिजनेस कैसे और ज्यादा ग्रो कर सकता हूं, मैं और ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में ऐड कैसे कर सकता हूं, मैं अपने डाउनलाइन या अपनी टीम से कैसे और ज्यादा सेलिंग करवा सकता हूं, उनको कैसे कोच कर सकता हूं कि वो और ज्यादा सेल कर पाए। सो फ्रेंड्स, ये सारे सवाल कभी ना कभी आपके सर पे टकराते होंगे। Yes. आते होंगे ना दिमाग में कभी। सो इन सारे सवालों का एक सिंगल आंसर है, सिंगल आंसर सॉल्यूशन। जानना चाहेंगे? Yes. सॉल्यूशन बेच रहा हूं भाई। Yes. समाधान बेच रहा हूं, खरीदोगे? Yes. राइट। Yes. सिंगल आंसर और करो भी, दैट इज योर आईएमसी ब्रांडेड कैनोपी, जो कि इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। कैसे? ये आईएमसी की कैनोपी यहां पे भी रखी है, पकड़ो सर। आईएमसी की कैनोपी यहां पे भी रखी हुई, देखी होगी आप लोगों ने। मुझे बताइए, जो मैं अभी इतना ज्ञान दे रहा था कि इस तरीके से ये सारे सवालों का एक सिंगल जवाब है, कैसे बोल रहा हूं मैं? कुछ अंदाजा? देखा जी, लिखा हुआ दिख रहा है, और कहते हैं ना जो दिखता है वो दिखता है, जितना दिखाओगे उतना दिखेगा।
है ना। आज अगर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, सामने आईएमसी के ब्रांडेड चीजें पहन के खड़ा हूं, तो उतना ही आईएमसी दिख रहा है ना। लेकिन सोचो यही व्यक्ति यहां पे खड़ा है, अब बताओ बड़ा दिख रहा है, आपको ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ना। और जितना ज्यादा दिखेगा उतना ही ज्यादा बिकेगा, राइट। सो ये जो आईएमसी ब्रांडेड कैनोपी है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कैसे, ऐसे, ठीक है। लोग देखते हैं कि यार ये ब्रांडिंग है, ये कंपनी है, और चलो इसकी तरफ हमें चलना चाहिए। एक ब्रांड इमेज दिखाता है, वो श्री तुलसी जो आपका सबसे पॉपुलर ब्रांड है उसको दिखा रहा होता है, ये लोग उसको जानते हैं, उसको देखकर आकर्षित होते हैं, आईएमसी का नाम जानते हैं उसको देखकर आकर्षित होते हैं, कुछ भी नहीं अगर जानते हैं वो तो भी आकर्षित होते हैं, भैया इसमें है क्या, आयुर्वेदा है, आजकल आयुर्वेदा इज ट्रेंडिंग, राइट। तो आयुर्वेदा देख के आते हैं, कुछ नहीं तो वो आपको देखकर आएंगे, है ना। हम में भी तो वो बात है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। सो इन सारी चीजों के मद्देनजर अब क्या ये कैनोपी हमें बेनिफिट देगा, देखते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके ब्रांड की इमेज को बनाने में मदद करता है। यानी मैं किसी छोटी मोटी कंपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कंपनी ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं जिसका ब्रांड वैल्यू आप यहां देख सकते हैं। श्री तुलसी मेरा प्रोडक्ट है, राइट। सो ब्रांड क्वालिटी दिखाता है। सबसे बड़ी बात है इजी टू असेंबल और डिसमेंटल, यानी कि आप इसको लगा के इजीली खड़ा कर सकते हैं और इसको इजीली रैप अप करके अपने बैग में भर सकते हैं। ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्लाइड में लिखा हुआ है, ये बात मैंने जब इसकी पूरी मॉड्यूल को बना रहा था मैं, सो उस टाइम पे मैंने भाई जी को कहा, मैंने कहा यार मुझे ना एक कैनोपी का वो बैग देखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं मंगवा देता हूँ। उन्होंने मंगवाया एक कैनोपी का बैग, मैंने कहा मुझे ना इसको लगा के देखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी हाउसकीपिंग वाले बंदे को बुला देता हूँ, वो अभी लगा देगा। मैंने कहा नहीं उनके थ्रू नहीं लगवाना है, मुझे खुद से लगाना है। बोले क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है लगाने की। मैंने कहा मुझे इसलिए लगाना है क्योंकि ट्रेनिंग में मैं जब बोलूंगा लोगों को कि ये आसान है लगाने में, तो यार मैं लगा पाऊंगा कि नहीं उसी पे निर्भर करेगा ना, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा मैंने हाउसकीपिंग से लगवाया था, आप खुद से लगा लो। सो मैंने खुद लगाया और विश्वास मानो जब मैं किसी काम को कर सकता हूं तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना गया गुजरा हूं किसी काम को करने में, तो मैं इतनी आसानी से उसको लगा पाया और विश्वास मानो इतना हल्का, मुझे लगता था बहुत भारी भारी होगा, शायद उठा नहीं पाएगा कोई, राइट। तो इतना हल्का है, इजी टू कैरी है, क्योंकि मुझे यह भी देखना होता है कि मेरे ट्रेनिंग सेशन में सारे के सारे बाहुबली टाइप नहीं आएंगे, है ना। मेरे ट्रेनिंग सेशन में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ही आएंगे, वहां पे लेडीज भी होंगी, लेडीज के लिए भी इजी टू कैरी होना चाहिए। मेरे ट्रेनिंग सेशन में 18 साल का कोई बच्चा भी होगा जिसने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है और वो आगे बढ़ने की उम्मीद रख रहा है, तो उन सबके लिए इजी टू हैंडल होना चाहिए, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा, ये एब्सोल्युटली इजी है। दूसरी बात है कि आपके कस्टमर से कनेक्ट करने में आपको मौका देता है, उनको ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रहा होता है ये, एंड ऑफकोर्स ये मदद करता है आपको इस तरीके के जो प्रोफेशनल बिहेवियर्स हैं वो डिस्प्ले करने में, आप एक प्रोफेशनल की तरह आप अपने आप को अपने ब्रांड को दर्शा सकते हैं उन्हें। और तो और ये जितने भी प्राकृतिक जो विडंबनाएं हैं उनसे भी बचा के रखने में आपको मदद करता है, जैसे कि धूप धूल मिट्टी प्रदूषण तो है ही, प्रदूषण की तो मास्क वास्क लगा के रखेंगे आप लोग, लेकिन बाकी धूल मिट्टी और इन सब धूप बारिश इन सब से भी आपको बचा के रखता है जब आप किसी जगह पे इसको इंस्टॉल करते हैं तब। एंड लास्टली जैसा मैंने कहा लाइट वेट एंड इजी टू कैरी, कोई भी लेके घूम सकता है, ठीक है। विश्वास नहीं हुआ आके खुद से आप उठा के देख लेना जब आप ये सेशन हो जाए उसके बाद। सो अब मुझे ये बताइए कि ये क्यों लेना चाहिए, काम आएगा कुछ। तो इस कैनोपी को हम लेके कहां कहां इंस्टॉल कर सकते। मैंने स्लाइड ही खाली छोड़ दी, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए था। पार्क चौराहा समझ गए ना, मतलब जहां आप चाहते हैं वहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स,
कम्युनिटी गेट टुगेदर्स, पार्क में, मेलों में, आपके किसी इस तरीके के जो जिमनेशियम्स होते हैं, जिम्स में, वहां पे हर जगह आप इस कैनोपी को इंस्टॉल कर सकते हैं. ऑफकोर्स वहां पे लोकल जो परमिशन से वो ले लीजिएगा. Yes, sir. ऐसा मत बोलिएगा यार सोमनाथ जी ने तो कहा था कि यार वहां पे जाओ और लगा लो. ठीक है, तो वहां के लोकल परमिशंस कुछ होंगे अगर तो वो देख लीजिएगा और वहां पे जाके आप इजीली उसको इंस्टॉल करके अपने ब्रांड की प्रमोशन वहां कर सकते हैं, लोगों की लीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. अभी मैं बताऊंगा आपको लीड्स किस तरीके से कलेक्ट करनी होती है और उस पर कैसे फॉलो अप करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे. सो उससे पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन यानी एक एग्जाम्पल. मान लीजिए, मान लेते हैं कि आप ये कैनोपी वाली जो एक्टिविटी है ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक करना है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कर रहे हो सकता है आप सुबह 10 से 2 ही कर रहे हो. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि आपने सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक एक दिन आपने किया ये कैनोपी वाली एक्टिविटी. ठीक है, अब कितने लीड जनरेट हो सकते हैं, कितने प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं 10 से 8 बजे के बीच में? 20 to 30 डिपेंड करता है आप किस एरिया में है. फॉर एग्जाम्पल मान लो वहां डेली की वॉकिंग 1000 लोगों की है, 100 से ऊपर. अब मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे डेली की वॉकिंग 5000 से ज्यादा की है, 1000 के ऊपर. मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे डेली की वॉकिंग सिर्फ 100 लोगों की है, 50 से ऊपर. सो डिपेंड करता है जगह टू जगह पे. yes. लेकिन अब मैं मान लेता हूं कि दिन की सिर्फ 50 ही लीड जनरेट हुई, सिर्फ 50, कितनी? 50 लीड जनरेट हुई. और उन 50 में से मैं ये नहीं कहता कि 50 के 50 लोगों ने मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मैं ये भी नहीं कह रहा. मैं ये मान के चलता हूं उन 50 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ने मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते साथ उसने मेरे से 1000 BV का प्रोडक्ट खरीद लिया. हो सकता है 1000 BV तक का तो चलता है. yes. ये और कम एग्जाम्पल लू, 1000 का लेते, थोड़ा सा आइडिया समझ में आ जाएगा ना. एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसने 1000 BV का सामान खरीद लिया. ठीक है, अब बाकी के 49 लोगों का क्या? 49 लोगों का डेटा कलेक्ट हो गया हमारे पास. नहीं नहीं, आगे भी जा रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे उनको, उनको ही बेचेंगे. अब 49 लोगों को मान लीजिए, बाकी बच्चे जो 49 लोग हैं उन सब ने 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा आपसे. ठीक है, 50 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है एक दूसरा कर सकते ना. ठीक है, हो सकता है कोई 100 भी ले ले, कोई 500 भी ले ले, कोई 1000 अकेले ले ले, लेकिन मैं मान के चलता हूं सिर्फ 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया. 49 लोगों ने 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया तो कितने बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो गए? देखो सबने कैलकुलेट कर भी लिया सर, बिजनेस माइंड सब चलता बेहतरीन. तो यानी 3450 बिजनेस वॉल्यूम का सामान वहां बिक गया कस्टमरों को और मेरे 1000 BV मेरे गए एसोसिएट ने खरीद लिया. टोटल कितना हो गया दोनों मिला के? 3450 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में सुबह 10 से रात को 8 बजे तक. दमदार लगता है. yes. अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको. अब मान लीजिए ये जो आपने एक दिन में कितने बिजनेस वॉल्यूम किए थे पिछले स्लाइड में, अब थोड़ा और घटा देते हैं इसको. मान लेते हैं 3000 हुए, 450 का और ड्रॉप आउट मान लेते हैं. आप कहिए यार सारे थोड़ी खरीद लेंगे, सोमनाथ ऐसे ही बोलता रहता है, होता है ना तो हाँ भी बोल चेक करता रहता. सो मान लेते हैं 3000 का सामान आपका बिका पूरे दिन भर में, एक दिन कैनोपी एक्टिविटी 3000 बिजनेस वॉल्यूम. अब यही एक दिन जो आपने किया, आपने 10 दिन किया पूरे महीने में, यानी एक महीने का एक तिहाई भाग आपने लगा दिया कैनोपी एक्टिविटी में 10 दिन. कितने बीवी हो गए? 30,000. क्या लगता है, एक रिस्पेक्टेबल नंबर है? yes. है ना, रिस्पेक्टेबल नंबर है. अब ये तो आपने किया, आपकी टीम का क्या? कॉपी करेंगे? yes. अपने आप कॉपी कर लेंगे? yes. देखिए एक ना कहावत है, कहावत नहीं एक्चुअली एक श्लोक है, गीता में कभी पढ़ा था मैंने,
कि यदद्यपि श्रेष्ठस्तत देवेतर जनः, कभी सुना है इसके बारे में? यदद्यपि श्रेष्ठस्तत देवेतर जनः, यानी कि पिता जो जो बोलता है बच्चा वो करता है, कभी नहीं करता है। वापस सुनिए, यदद्यपि श्रेष्ठस्तत जनः, श्रेष्ठस्तत जनः देवेतर जनः, यानी कि तत्तद यत यत, यानी कि जब जब तब तब, यानी जब जब पिता कुछ कहता है तब तब बच्चा वो नहीं करता है, लेकिन जब जब पिता कुछ करता है तब तब वो बच्चा वही करता है। ठीक है, तो जो आप बोलते रहेंगे अपनी टीम को कि करो 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 करो, क्या लगता है वो करेंगे? पक्का नहीं करेंगे। लेकिन जो जो आप करना शुरू कर देंगे वो 200% है कि वो भी करना शुरू कर देंगे। यस राइट, तो ये तो इतने हजारों साल चले।